क्या नाम? जी मेरा नाम हेमंत सिंह। ये कौन सा गांव है भैया? ये गांव तो नगला लल्लू है, नगला शेखुर है, नगला रामबक्स है, नगला शीतल है, नगला तेजपाल के भी लोग भी यही हैं। यहाँ क्यों बहिष्कार किया जा रहा है बोर्ड का? ये बहिष्कार सर आप देखें, यहाँ पे पूरी तरह से ये जो रोड बना हुआ है, यहाँ पर रेल की हद धर्मतका के कारण यहाँ के लोग जो हैं इस बहिष्कार को करने के लिए मजबूर हैं। आप इस रोड के आरंभ में जाएं तो वहाँ खरंजा लग चुका है, इस रोड के अंत तक जाएं तो वहाँ डाबरीकरण हो चुका है। लेकिन हम लोगों के यहाँ पर जब भी इस बात को रखा जाता है तो जनप्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि ये कहते हैं कि रेल मंत्रालय कराएगा, और अगर रेल मंत्रालय के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी पाइपलाइन है और अगर हम उसके ऊपर खरंजा या कोई और भी सिस्टम से अगर इसे पक्का करने की कोशिश करते हैं तो हमारी पाइपलाइन जो है क्षतिग्रस्त होगी। अच्छा ये बताइए कितने मतदाता हैं जो पोलिंग है यहाँ पर, कितने हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ यहाँ पर करीब 4:30 के आसपास मतदाता हैं। कोई एक भी वोट नहीं डालेगा? नहीं, अभी तक तो कोई, सभी लोगों का ये मत है कि हम लोग इस बार वोट का पूरी तरह से पूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ रेल मंत्रालय से रेल का कोई प्रतिनिधि यहाँ अधिकारी है, हमें किसी भी जनप्रतिनिधि से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी एक पहला जो उद्देश्य है वो यही है कि यहाँ इस समय कोई रेल प्रतिनिधि आकर इन लोगों से बात करे और इन लोगों की बातों की समस्या। लेकिन अभी हम गए थे वहाँ पोलिंग बूथ पे तो बताया गया 2-4-6 वोट पड़ गए। हो सकता है इन यूनिटी को तोड़ने का कोशिश किया जा रही हो, वैसे यहाँ से अभी तक कोई भी वोट हमारी तरफ नहीं है। क्या माना जाए कि आप शाम 6 बजे तक जब तक हम नहीं डालेंगे, जब तक हमारे पास रेल का कोई भी व्यक्ति आकर हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं देता तब तक हम वोट नहीं डालेंगे। इन लोगों का सभी का यही मानना है कि कोई रेल प्रतिनिधि आए और यहाँ आश्वासन हमें यहाँ देता है तो हम वोट डालने के लिए हम आगे के लिए अभी तैयार हैं।